सो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमने कल के ही लेक्चर में स्टार्ट किया था. तो कल की क्लास में हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की थी. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वी स्टार्टेड ऑफ विथ एरिस्टोटल. हमने एरिस्टोटल से शुरू किया था कि एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मुझे साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना है या कैटेगराइज करना है. देन वी मूव्ड ऑन टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने बात किया था किसका, हमने बात किया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक की चीजों का. अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अरबाज. द सफिक्स फैमिली एंड्स विथ ई ए ई लीजिए बेटा, ठीक है, ई ए ई लीजिए. नाउ तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक की हमने बातें सीख ली थी, दैट वाज गिवन बाय आर एच विटेकर. तो आई होप कि आप लोगों ने वो सारे टॉपिक्स अभी तक एनसीईआरटी से रीड कर लिए होंगे, और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना वहां से इम्पोर्टेंट भी है. आज की क्लास में हम सीधा सीधा एक-एक किंगडम के डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है. वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मोनेरा. तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा, दैट विल बी ऑल द डिटेल्स अबाउट किंगडम मोनेरा. अब किंगडम मोनेरा की जब भी बात होती है, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है दैट द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम इज बैक्टीरिया. जैसे ही मुंह से निकलता है मोनेरा, दिमाग में आ जाता है बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे, एक्चुअली वो टिपिकल फीचर्स मोनेरा के होंगे, लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, मतलब जिसके थ्रू हम उन फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, दैट विल बी बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं. से सपोज यू नो अबाउट गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. बैड बैक्टीरिया अगर हम कह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. फाइन, तो ये कुछ कॉमन कॉमन सी चीजें आप बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहाँ कुछ इंट्रोडक्टरी सेगमेंट आपका बैक्टीरिया के लिए है, एज इन कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इफ यू आर टेकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, इफ यू आर टेकिंग अ स्पून ऑफ कर्ड, तो ये सारी जो चीजें होंगी, इसके अंदर आपको काफी सारे बैक्टीरिया का प्रेजेंस मिलेगा. ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाया जाता है और डेलिकेट जगहों पर भी मिलता है. तो उसके लिए आपका जो डिफरेंसिएशन होगा, दैट विल बी बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी होते हैं. दीज आर सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इसके अलावा आपको बैक्टीरिया के बारे में एक रीसेंट इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ. अभी ये पता लगाया गया है कि जो अंटार्कटिक सी है, ठीक है, जो अंटार्कटिक सी है, उसके बैंक्स पे हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी दिखाई दी है. ठीक है, ऑन इट्स बैंक वी हैव डिस्कवर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और कौन करता है. थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में. डू यू ऑल नो अबाउट इट, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? जो नाइट्रोजन होता है, वो कभी भी एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है. उसको फ्री फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, और ये जो काम है, दिस इज डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. फाइन, तो वी हैव फाउंड कि जो एंटार्कटिक सी का बैंक है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस देखी गई. और
अगर वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है. उनके एब्सेंस में तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है. इसके अलावा जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज आयरन. तो ये भी वहां देखा गया है कि वहां की जो आइस है दैट इज रिच इन आयरन, उसकी वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम कर पाती है और वही एंजाइम कैटेलाइज करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिएक्शंस को. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द रीसेंट स्टडीज जो कि बैक्टीरिया के ऊपर की गई है. क्लियर, तो दिस यू कैन कीप इन योर माइंड कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया पे अभी अभी क्या ढूंढा गया तो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल. डू यू ऑल गेट इट? समझ में आया जो बात अभी आपको समझाई गई? इज इट क्लियर? फाइन. इसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पे. तो जब बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है तो बेसिकली देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस एंड दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन. क्लियर, मैं फिर से आपके लिए रिकॉल करती हूँ. देयर आर थ्री इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन टाइप्स. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप. बैक्टीरिया का शेप कैसा है? गोल है, चौकोर है, लंबा है, वॉट एवर मे बी द शेप ऑफ द बैक्टीरियम. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ फ्लैजेला एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ फ्लैजेला. थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्राम्स स्टेन, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. ठीक है, तो पहले हम शेप को कंसिडर कर लेते हैं, शेप की बातें कर लेते हैं. तो देयर आर फोर कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियम हियर, और वो जो होते हैं वो होता है कोकाई, बेसिली, विब्रियो एंड स्पाइरिला. ठीक है, तो इनको एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करती हूँ. अगर आप कॉकस देखेंगे तो इनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है. ठीक है, इनका शेप स्फेरिकल है, लाइक दिस यू कैन सी. अब जब आप किसी बैक्टीरिया का नाम पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको उसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि बैक्टीरिया का शेप क्या होगा. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोला गया कि जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डिप्लोकॉकस निमोनी. ओके, बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकॉकस निमोनी. तो आपको बताना है कि इसका शेप क्या है. अब क्या ये बहुत टफ है आपके लिए बताना कि डिप्लोकॉकस निमोनी का शेप क्या है? बताइए जल्दी से, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस बैक्टीरियम? बहुत आसान है, अगर आप इसका नाम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आसान है बताना कि जो यहाँ पर बैक्टीरियम है उसका शेप क्या है. एग्जैक्टली, वेरी गुड विनय, आपको नाम में ही तो दिख रहा है इसका शेप क्या है. यहाँ पर लिखा हुआ है कॉकस, दैट स्टैंड्स फॉर कोकाई. ओके, मतलब इसका जो शेप होगा बैक्टीरिया का दैट विल बी स्फेरिकल. गॉट इट? इसके अलावा बेसिली अगर आपसे पूछ रहा है तो ये भी आप बता सकते हो. यू हैव अ बैक्टीरियम जिसका नाम होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस. ओके, इसको शॉर्ट में बीटी के नाम से भी जाना जाता है. यू माइट हैव हर्ड ऑफ बीटी कॉटन, यू माइट हैव हर्ड ऑफ बीटी ब्रिंजल. तो वहां पे इस बैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है. तो वेन वी टॉक ऑफ बेसिलस थुरिनजेनेसिस, तो आप नाम में ही देख रहे हो कि बेसिलस मेंशन किया गया है, मतलब द बैक्टीरियम विल बी रॉड शेप्ड. ठीक है, इसका जो शेप आप जान जाएंगे वो आप जान जाएंगे कि इसका शेप रॉड शेप्ड है. इज इट ओके? ठीक है, ये बातें आपको वहां पे क्या करनी है, याद रखनी है कि कौन से बैक्टीरियम का शेप किस तरह का होता है.
अब यहाँ पे अगर आप नाम पढ़ के बैक्टीरिया का शेप समझ सकते हो तो इसी तरह से हम इस सीरीज में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल विल बी ऑफ विब्रियो कॉलरी. ठीक है, यहाँ पे विब्रियो कॉलरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो आपको नाम में ही दिया गया है कि ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरियम होगा. स्पाइरिलम जो बैक्टीरिया है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रेयर, मतलब बहुत कॉमनली आपको ये देखने नहीं मिलेगा. तो आपको इसका कोई स्पेशल एग्जाम्पल याद नहीं रखना है. नाउ ऑल दीज एग्जाम्पल्स वर ओनली टू एग्जाम्पलीफाई कि जब आप किसी भी बैक्टीरिया का नाम पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि उसका शेप क्या होगा. फाइन, तो आई गेस दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके अलावा चलिए आ जाते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे. तो यहाँ जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा That will be on the basis of flagellum. वो तो पहला क्लासिफिकेशन का तरीका था. अगर आप सेकेंड देखेंगे तो that will be on the basis of presence or absence of flagella. ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से तरह का बैक्टीरिया होगा. तो जब आप इसके बेसिस पे देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियम विल बी ए ट्राइकस. और यहाँ पे जो ए ट्राइकस है इसका मतलब है कि फ्लैजेला एब्सेंट होगा. ओके, फ्लैजेला यहाँ पर एब्सेंट होगा, होगा ही नहीं. दूसरा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर किसी भी बैक्टीरिया के एक एंड पे सिंगल फ्लैजेलम है तो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस. ठीक है, मोनोट्राइकस, यहाँ पे वन फ्लैजेला विल बी देयर, वन फ्लैजेला एट वन एंड. ओके, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मोनोट्राइकस. तीसरा आपके पास कौन सा होगा? तीसरा आपके पास होगा एम्फीट्राइकस. तो जब एम्फीट्राइकस की बात होगी बच्चों तो यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी वन वन फ्लैजेला ऑन बोथ एंड्स. दोनों एंड्स पे आपको एक एक फ्लैजेला दिखाई देगा. ठीक है, इसके अलावा आपकी एक कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन होती है लोफोट्राइकस. तो लोफोट्राइकस कंडीशन कौन सी है? जिसमें आपके पास बंच ऑफ फ्लैजेला होगा, बंच ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ एंड्स. दोनों एंड्स पे आपको बंच ऑफ फ्लैजेला मिलेगा. फिर आपके पास कंडीशन हो सकती है पेरीट्राइकस. तो पेरीट्राइकस में आप समझ रहे हो पेरी वर्ड स्टैंड्स फॉर पेरीफेरी, और पेरीफेरी का मतलब होता है किसी भी सेल का सुपरफिशियल एंड. सपोज दिस इज द सेल, तो इसका जो पूरा सरफेस है दैट विल बी टर्म्ड एज पेरीफेरी. तो यहां पे फ्लैजेला will be present all along the periphery. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो all along the surface. तो this will be the conditions when we talk of flagella, कि बैक्टीरिया में किस किस तरह से फ्लैजेला को आप present देख सकते हो और उसका number क्या होगा. Clear? तो ये एक classification हो गई. अब अगर हम इसके बाद की क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो देखते हैं कि आगे कौन कौन सी और क्लासिफिकेशन होगी. तो हमारे पास एक ही बाकी है एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन. क्लियर, तो लेट अस मूव टू दैट वन. यहाँ पे जब ग्राम स्टेन वाले की बात होगी, ठीक है, तो ग्राम स्टेन में आपको भी पता है कि किसने डिस्कवर किया था ग्राम स्टेन, किसने डिस्कवर किया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन.
on the basis of grams stain. अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज क्रिश्चियन ग्राम. ओके, क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या डेवलप किया था, इन्होंने एक स्टेनिंग डाई डेवलप किया था जो कि एल्कलाइन नेचर का डाई होता है. क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया तो उसका नाम रख दिया ग्राम्स स्टेन. क्लियर? तो इन्होंने क्या अप्लाई किया बैक्टीरिया के ऊपर मेथड, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्रीटेड बैक्टीरिया विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन. ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है. ही ट्रीटेड बैक्टीरिया विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, उसके साथ ट्रीट किया, साथ में ग्राम स्टेनिंग भी दे दी और उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया को वॉश ऑफ किया विद अल्कोहल या फिर एसीटोन, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है. और फिर से इनके ऊपर अप्लाई किया गया ग्राम का स्टेन. तो जब ये स्टेन अप्लाई किया गया तो ही वाज सरप्राइज्ड टू नो कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो थे वो दो अलग टाइप्स में डिवाइड हो गए. अब वो दो अलग टाइप्स में कैसे डिवाइड हुए चलिए देख लेते हैं. कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने ग्राम का ये पर्पल या पिंकिश स्टेन जो है वो ले लिया था. तो सपोज ये वाला जो बैक्टीरिया मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ बैक्टीरियम दैट हैज टेकन ग्राम्स स्टेन, इसने रिसीव किया है. दूसरे बैक्टीरिया ने ग्राम का स्टेन नहीं लिया. फाइन, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राम ने बोला कि बैक्टीरिया दो तरह के हो चुके हैं. जिन्होंने मेरा स्टेन एक्सेप्ट किया है उनको मैं कहूंगा ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव. तो यहां पे हम लिख लेंगे कि दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम. और जिसने एक्सेप्ट नहीं किया ग्राम का स्टेन वो क्या बन गए, वो बन गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. तो ये दो कैटेगरीज वहां पे बन गई बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम का स्टेन. टिल हियर एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन लेट मी नो. किसी को कोई भी डाउट है यहां तक, कोई भी डाउट होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर कोई एकदम छोटा सा डाउट है तो आप तुरंत पूछ लो. फाइन, कैरी ऑन करते हैं. तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की दो कैटेगरी बन गई, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट देम बिकॉज द मोस्ट कॉमन मेथड टू स्टडी बोथ ऑफ देम इज टू कंपेयर. फाइन, तो देखो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम थे, ग्राम ने देखा कि इनका जो सेल एनवेलप है, दैट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. और जितने भी ग्राम नेगेटिव हैं, इनका जो सेल एनवेलप है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. फाइन, अब यहां पे जब भी हम तीन लेयर लिख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसका मतलब क्या क्या है. उसका मतलब है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एक्चुअली यहाँ बीच में पहले सेल वॉल आएगा, प्लस सेल वॉल एंड प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तीन लेयर की वॉल बन गई. जब हम टू लेयर लिख रहे हैं तो दो लेयर से हमारा मतलब क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं होगी, यहाँ पे केवल और केवल सेल वॉल होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. तो ये टू लेयर का वॉल हुआ. Now this layer of glycocalyx is also known by the name of capsule. ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है. फाइन, नाउ लेट अस कम बैक. अब आप खुद ही समझ गए कि भाई जिनके पास सेल एनवेलप दो लेयर का है उनके पास कैप्सूल एब्सेंट होगा
तो अगर कैप्सूल एब्सेंट है तो आप इनको कह सकते हो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. फाइन. जिनके पास तीन लेयर का वॉल था या एनवलप था, यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट है. तो अगर कैप्सूल प्रेजेंट है देन यू कैन कॉल देम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. समझ आ गई बात. अब देखिए जिनके पास कैप्सूल नहीं है उनके ऊपर एंटीबायोटिक ज्यादा असर करेगी या कम असर करेगी, बताइए. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज गोइंग टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एंटीबायोटिक और इट विल बी रेजिस्टेंट, बताइए. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. सपोज आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन डाल दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया, ठीक है, नियासिटिन डाल दिया, तो वॉट इज गोइंग टू हैपन. फास्ट, आई नीड एन आंसर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अगर एंटीबायोटिक अप्लाई किया गया तो विल इट एक्ट सेंसिटिव और इट विल बिकम रेजिस्टेंट. फाइन, इसका जो आंसर होगा वो मैं ही आपको दे दूं. अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक अप्लाई किया गया तो क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज सेंसिटिव. ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे इट इज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स. जबकि अगर आप ग्राम नेगेटिव को देखेंगे तो ये कैप्सुलेटेड है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, तो दिस विल बी समवॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. ओके, अब देखिए क्योंकि यहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सेंसिटिविटी ज्यादा है तो दीज आर लेस पैथोजेनिक. मतलब ये कम इंफेक्शन फैलाएंगे, कम बीमारियां फैलाएंगे. जबकि अगर ग्राम नेगेटिव की हम बात करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स, तो दे आर गोइंग टू अफेक्ट मोर ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा इंफेक्शन फैलाएंगे. तो इसको आप लिख सकते हो कि दीज आर मोर पैथोजेनिक. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. और किस अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, तो दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियन ग्राम का स्टेन. एंड द नेचर ऑफ दिस स्टेन इज एल्कलाइन. एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक होता है. फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम स्टेन. नाउ लेट अस मूव फर्दर. जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जानना है. ओके, तो जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर. फाइन, तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम बाय आवरसेल्व्स और फिर हम इसको एनालाइज करें. देखिए यहाँ पे जब आप बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर ड्रॉ करनी है. तो लेट अस ड्रॉ द लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, थोड़ा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स ड्रॉ करने होंगे. तो जब भी आप यहाँ इस तरह से बनाएं तो ड्रॉ करिए पहले ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर. ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि यहां पर सेल वॉल होगी. तो लेट अस ड्रॉ सेल वॉल. ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई. जब आप और अंदर जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And plasma membrane is sometimes modified to form finger-like projections like this. ठीक है, these projections can be all over the surface
या फिर ये रैंडम पोजीशंस पे बन सकती हैं। फाइन, तो चलिए पहले इतना आपको बता दिया जाए कि व्हाट आर ऑल दीज। तो यहाँ पे हमने जो आउटर मोस्ट लेयर ड्रॉ की है, दैट इज नथिंग बट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का दो तरह का नेचर हो सकता है बच्चों। वो ये हो सकता है कि इफ इट इज रिजिड देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इफ इट इज रिजिड देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज कैप्सूल। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लूज शीट देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज स्लाइम लेयर। ठीक है, समझ में आया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्सूल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइम लेयर? डू लेट मी नो, यस और नो, मुझे बताइए। अभी तक जो भी बातें आपको कन्वे की गई, क्या ये आप लोगों को क्लियर हैं? रिपीट करूं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया के सेल एनवेलप की, इफ दैट लेयर इज गोइंग टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रिजिड और कॉम्पैक्ट मैनर, देन इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज कैप्सूल। कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के मॉलिक्यूल्स लूज हैं, लूजली अरेंज्ड हैं, लूज शीट के फॉर्म में हैं, देन इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज स्लाइम लेयर। नाउ इज इट क्लियर अरबाज? अभी आपको समझ में आया? ओके, तो चलिए बाकी की बात करते हैं। जब आप सेकेंड लेयर को यहां पर देखेंगे तो ये है सेल वॉल। और अगर मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन सी चीज का बना होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, या फिर आप इसको बोल सकते हो म्यूरामिक एसिड। ओके, म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड, दिस विल बी द कॉम्पोनेंट जो इसको बनाएगा। और इसके सेल वॉल का काम मेजरली प्रोटेक्शन होता है। व्हेन यू विल हैव अ लुक एट थर्ड लेयर, तो वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका फीचर मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू मीजोसोम्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे और फिर चीजों को लिखते हैं। मॉडिफाइड इनटू मीजोसोम्स विच आर फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स। अब ये जो मीजोसोम्स होते हैं ना, मीजोसोम्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो पहले वो फंक्शंस मैं आपको बता दूं और फिर हम बैक्टीरिया का बाकी पार्ट देखेंगे। अगर आपको मीजोसोम्स के फंक्शन याद रखने हैं तो आप लिख सकते हो दैट इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका एक फंक्शन है। रेस्पिरेशन के अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इसके अलावा अगर आप इसका थर्ड फंक्शन देखेंगे तो दैट इज पार्टिसिपेट्स इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। कहां पर पार्टिसिपेट करता है ये? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस। वैसे तो यहां पर और भी फंक्शंस होते हैं मीजोसोम्स के, लेकिन जो मेजर हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। यस अरबाज, सेल मेम्ब्रेन इज देयर, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, और उसी का मॉडिफिकेशन मीजोसोम्स होता है। मीजोसोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए। मीजोसोम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल टू रिमेम्बर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर? जब हम यहाँ बैक्टीरिया के सेल को और अंदर जाएंगे, इंटरनली देखेंगे, तो वॉट वी आर गोइंग टू सी कि अंदर यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होगा, एरिया खाली तो रह नहीं सकता,
तो वो होगा बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये मैं अलग से नहीं लिख रही आप लोगों के लिए, दैट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, या चलो लिख ही लेते हैं, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब आपको देखना है कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो जब आप साइटोप्लाज्म की चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेजेंट है एक सिंगल स्ट्रैंडेड, सॉरी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे आपको इस तरह से डीएनए मिलेगा लाइक दिस। तो आपको ये डीएनए का नेचर मैं बता दूं, दिस इज डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्क्यूलर। अगर आप इसका रफ शेप देखेंगे तो दैट इज सर्क्यूलर डीएनए। अब क्योंकि ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो चलिए डिफरेंट मैटर, नेकेड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि मोनेरन्स आर प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू कवर द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड नेकेड। इसके अलावा सर्क्यूलर इसका शेप आपको नजर आ रहा है। अब क्योंकि ये नेकेड है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो न्यूक्लियोइड इज ओनली दैट डीएनए जो यहाँ पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया में। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको जेनेटिक डीएनए भी कहेंगे, दिस इज जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक डीएनए इसीलिए कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया के जितने भी जेनेटिक फीचर्स होते हैं सब यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, ऑल द जेनेटिक कैरेक्टर्स विल बी प्रेजेंट हियर। फिर आप अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ आपको एक और इस तरह से सर्कुलर डीएनए मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। फाइन, तो ये जो प्लाज्मिड है ना बच्चों, बैक्टीरिया को इसका कोई रोल नहीं है, नोटेड। हाँ, कभी कभी ये एफ प्लाज्मिड की तरह काम करेगा। तो एफ प्लाज्मिड का मतलब है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो जब आपको रिप्रोडक्शन सिखाई जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। फाइन, इसके अलावा जब आप बैक्टीरिया के मैट्रिक्स को देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर राइबोसोम्स हैं। तो लेट अस ड्रॉ सम राइबोसोम्स ओवर हियर। तो ये जो आपका कंपोनेंट हो गया, दीज आर राइबोसोम्स, जो कि बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और इनका सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है 70s, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स होंगे जो आपको बैक्टीरिया की बॉडी में मिलेंगे। ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे, और वो जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो कौन होगा, दैट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर विल बी फ्लैजेलम। तो लेट अस ड्रॉ द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम, एंड द फ्लैजेला इज गोइंग आउट लाइक दिस, ठीक है। दिस विल बी द मैनर। तो ये हो गया फ्लैजेलम। फाइन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं, वो हमने पूरा डिस्कस किया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जान चुके हैं, देन लेट अस मूव टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया जो है, दैट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, अभी हम डिफरेंट टाइप्स जानेंगे। उसके पहले हम एक क्लासिफिकेशन देख लें यहाँ पे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। व्हेन वी टॉक ऑफ बैक्टीरिया, तो वी वेरी वेल नो, कल ही इस बारे में बात किया था हमने, कि वहां पे आर्की बैक्टीरिया होंगे जिनकी तीन कैटेगरीज होती है एंड दे आर प्रिमिटिव। फाइन, जब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो दैट विल बी द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर अ लिटिल बिट सेंसिटिव, ठीक है।
यहाँ अगर मैं आपको जनरल सी चीज को समझाऊं तो आप क्या समझेंगे? When we talk of archaebacteria, तो they are adapted to survive extreme environmental conditions. ठीक है, जितनी भी extremities होती हैं environment की, ये उनको survive कर सकते हैं. They are adapted to survive in extreme environmental conditions. But when we talk of eubacteria, तो they are a little bit sensitive. ये extreme conditions को survive नहीं कर पाते. वो condition इनके लिए unfavorable हो जाती है. But then also these are considered to be true bacterium या true bacteria. Okay? So this is the thing. अब इनका टाइप देख लेते हैं कि इनके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट देम. तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्किबैक्टीरिया की, तो दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, हैलोफिल, थर्मोएसिडोफिल एंड मिथेनोजेंस. ठीक है, तो उनकी बात करते हैं और उसके बाद हम दूसरी चीजें देखेंगे. ओके, अरबाज इज आस्किंग फॉर अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. अरबाज, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला इसीलिए डील नहीं किया है बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ सेल. ठीक है, अभी हमारा जो बेसिक फोकस है दैट इज ऑन मोनेरन्स, तो हम उस पे फोकस रख रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला विल बी डेल्ट इन द चैप्टर ऑफ सेल. क्लियर? ओके, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे. तो हम यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया की तीन कैटेगरीज देख सकते हैं. ठीक है, और ये जो तीनों होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं. तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन वी टॉक ऑफ हैलोफिल्स, तो दे आर अडैप्टेड फॉर सॉल्टी एरियाज, बहुत एक्सट्रीम सलाइनिटी में या नमकीनता में ये रह सकते हैं. When we talk of thermoacidophil, तो देखो यहाँ पे दो शब्द हैं. Therm word का मतलब होता है heat. Acido word का मतलब होता है acid. तो ये तो double extremity झेल रहे हैं. ठीक है, double role हो रहा है इनका, कि हम बहुत ज्यादा गर्मी भी झेल लेंगे और हम काफी ज्यादा acidity भी झेल सकते हैं. Okay, फिर methanogens आते हैं. These are adapted for living in marshy areas, जहां पर methane gas की production रहती है. Okay, तो these are about three different forms. अब यहाँ पे इन तीनों का मैं आपको gram nature बता दूं. अगर आप halophils की बात करेंगे तो ये भी gram negative होते हैं. Okay, अगर thermoacidophil की बात हो रही है, these are also gram negative. और अगर methanogens की बात हो रही है, तो these are also gram negative. Fine. अब समझ ही रहे हैं आप logic कि यहाँ पे इतना extreme condition ये survive कर रहे हैं, तो इनका nature तो gram negative ही होगा. कुछ तो इनको दिया गया है जो इनको extra protection हमेशा देता रहता है. Fine. तो यहाँ पर ये logic होगा. अब जब भी आप देखेंगे कि आप hot sulfur vents में जा रहे हैं, आप हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में जा रहे हैं, तो वहां पर भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा. हैव यू हर्ड ऑफ द कुंड्स? कुछ कुंड के बारे में आपने सुना है? इंडिया में भी ऐसी जगह है जहां पर जमीन के नीचे से गर्म पानी होता है. हैव यू हर्ड ऑफ देम? नेचुरली वहां पे कंडीशन ऐसी है कि जब भी जमीन के नीचे से पानी आएगा तो दैट वाटर इज गोइंग टू बी हॉट. फाइन, तो वो जो कंडीशन है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की या एक्सट्रीम टेम्परेचर की, वहां पे ये बैक्टीरिया रह सकते हैं. दैट इज थर्मोएसिडोफिल. एसिडिक कंडीशंस में भी आप इनका प्रेजेंस देख सकते हैं. मिथेनोजेंस का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप याद रखेंगे, दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, विच इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, विच इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. फाइन, तो बायोगैस आपके काम की चीज है. लेटर ऑन आप बायोगैस प्लांट और उसका सेटअप भी सीखने वाले हो आगे के सिलेबस में. ठीक है,
So these are all the things that you have to remember about archaea. Now let us come to eubacteria या true bacteria. तो when we talk of eubacteria या true bacteria, तो हमने structure तो already देख ही लिया है. Okay. Now I'll tell you there are some of the important structural differences between archaea and eubacteria. ठीक है. दोनों के बीच में बहुत कम slight differences होते हैं. बहुत ज्यादा इनके structure में कोई अंतर नहीं होता. Almost they are same. अब स्ट्रक्चर तो हमने ओवरऑल देख ही लिया है कि एक बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या होता है. तो हम केवल इम्पॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे कि जब यू बैक्टीरिया है तो दैट विल बी अ लिटिल बिट सेंसिटिव. अब मैं यहीं पे आपको इसका टेम्परेचर बता दूं. अगर आप इसकी बेस्ट एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर देखेंगे जिसमें ये सर्वाइव कर सकता है, तो दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. ओके. आप मुझे ये बता सकते हैं व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन फॉर आर्की बैक्टीरिया? दैट इज अराउंड 37 डिग्री. ठीक है. यू बैक्टीरिया भी इस रेंज के बीच में कहीं पर भी काम कर सकता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज अबव 40 डिग्री, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इट स्टार्ट्स डाइंग, मरने लगेगा. ठीक है. इट स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग लिख सकते हो आप, या फिर इसकी जो ग्रोथ है वो घटने लगेगी एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू डाई. ये कंडीशन आ जाएगी. अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं. तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो आपको पता है कि ये खुद अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. अब इसी कैटेगरी में आपके पास दिस इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू लाई, दैट इज साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी. These are also used as biofertilizers. ठीक है. यहाँ पे ये biofertilizers की तरह यूज किए जाएंगे एंड दिस विल बी इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर फोकस रखिएगा. देन इनके बारे में कुछ बातें यहाँ आपको बताई गई हैं कि जो BGA है या तो वो एक सेल का बना हो सकता है, कोलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है. फाइन. जिलेटिनस शीट से ये सराउंडेड होते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं वाटर बॉडीज के ऊपर एंड दे आर आल्सो केपेबल, सम ऑफ देम आर आल्सो केपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है. बट दैट इज इन केस ऑफ अ स्पेशल कंडीशन, जब ये हेटरोसिस्ट बनाते हैं. फाइन. तो नोस्टॉक, एनाबेना, इसके अलावा यू कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ एजोला, ये सब के सब होते हैं जो कि BGA की कैटेगरी में आएंगे. फाइन. देन गोज द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ, में आप समझ गए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं खुद से. नाउ रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं आप लोग उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम सीधा सीधा स्कैन करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है. वॉट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू हाइड दिस. वो यहाँ पे आपके लिए लिख देंगे ए, और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ए है दैट इज हेट्रोसिस्ट. ओके. उसके बाद ये हाइड कर देंगे इसको भी एंड देन दे आर गोइंग टू मेंशन इट बी, और आपको बताना है कि ये बी क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट. ओके. This is how NCERT diagrams will be going to be used. वो इस तरह से यहाँ पे use किए जाएंगे. तो आप लोग diagrams को देखते वक्त बहुत ही keen observation रखा करिए कि कौन सा part कहाँ पर mention किया गया है. Okay? Now let us come to chemosynthetic autotrophs. अब ये जो chemosynthetic autotrophs होते हैं, you all very well know कि ये inorganic substances को oxidize करते हैं और उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं. तो दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इसको हम रीसाइक्लिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं. देन गोज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होंगे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म
तो दे आर आइदर गोइंग टू एक्ट एज पैरासाइट्स और दे आर गोइंग टू एक्ट एज पैथोजन. या तो बीमारी फैलाएंगे, या तो किसी दूसरे इंसान की बॉडी पे रहेंगे या होस्ट की बॉडी पे रहेंगे. चलिए बताइए फटाफट, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? फर्स्ट, वी हैव अ बैक्टीरियम इन आर इंटेस्टाइन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरियम? बताइए फास्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरियम जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है? आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स. तब तक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए इन चीजों का, कि ये बैक्टीरियो का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमन अफेयर्स के लिए भी किया जाता है, लाइक फॉर मेकिंग कर्ड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. ठीक है, देन डिफरेंट क्रॉप्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है पैथोजन बन के. जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये यूजुअली सिट्रस क्रॉप्स को अटैक करता है. तो इस तरह से काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी. फाइन. अरे आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, विच इज द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन आर इंटेस्टाइन. देखिए जवाब आपका दो ही हो सकता है. अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर देंगे, अगर आंसर नहीं आता है देन डोंट वेस्ट मेरा टाइम एंड आपका टाइम. जल्दी से नो लिखो ताकि हम आगे जाएं. फर्स्ट, अगर आंसर नहीं पता यू कैन राइट नो, एंड इफ यू नो द आंसर देन गिव इट. अच्छा नहीं पता, नहीं पता, फाइन. चलो मैं बता दूं मैं. फाइन, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, आपने नहीं सुना कि उसमें ईकोलाई प्रेजेंट होता है? नहीं सुना आप लोगों ने? अभी सबको याद आएगा. ठीक है, जो याददाश्त चली गई थी ना, अभी सबकी वापस आएगी. याद आया, कम से कम याद आया जब मैंने आपको बताया. चलो आपको स्ट्राइक नहीं किया था, बट जब मैंने आपको बताया है तो आपको ऐसा याद आया कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ईकोलाई होता है इंटेस्टाइन में. नहीं याद है तो आज जाके पढ़िए इस चीज को, रिकॉल करिए. ओके, तब तक हम रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं. तो व्हेन वी टॉक ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन, जिससे बैक्टीरिया खुद की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करता है. ओके, इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया कैन अंडरगो स्पोरुलेशन, इट कैन अंडरगो एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, इट कैन अंडरगो हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन, बट दैट इज द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है जब बैक्टीरिया को लगता है कि मुझे ये सारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये पसंद नहीं है, आई कैन नॉट ग्रो इन दैट वन, तब वो ये मेथड्स यूज करेगा. लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन है तो इट इज गोइंग टू फॉलो फिजन. अब ये जो भी मोड्स आप देख रहे हैं ये सारे तरीके एसेक्सुअल हैं. फाइन, अगर आप बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. ऐसा जान लें कि यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज एब्सेंट. तो अब आप बोलेंगे कि मैम फिर हमने लिखा क्यों है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? क्योंकि हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली इट इज द मेथड ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, एक्चुअली वो सारे मेथड्स को नाम दिया जाता है जीन रिकॉम्बिनेशन, या फिर यू कैन कॉल इट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. यस और नो, समझ में आई बात? जब भी हम बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो वहां पे वो होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ठीक है, जल्दी से बताइए यस और नो. आई एम नॉट गेटिंग कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो मुझे बीच बीच में रिस्पॉन्ड किया कीजिए. वेरी गुड, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट आर दीज मेथड्स, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन. तो जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो देखेंगे आगे की क्या क्या मेथड हैं. चलिए यहीं पे आपको बता दिया जाए.
यहाँ पे देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल लो, तो ये तीन तरह से होता है। एक मेथड को कहा जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, दूसरे मेथड को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो तीसरा मेथड यहां पे होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये मेथड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन है, दीज यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन क्लास 12 जेनेटिक्स, ठीक है, क्लास 12 के जेनेटिक्स में इनका पूरा डिटेल है। अभी हम थोड़ा सा कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है। सपोज देयर आर टू बैक्टीरियम, यहाँ दो बैक्टीरिया है इस तरह से। अभी आप लोगों को याद है, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, हमने प्लाज्मिड की बात की थी, याद आया क्या? हमने यहाँ पे प्लाज्मिड की बात की थी, तो मैंने आपको कहा कि वहां पे एफ प्लाज्मिड होगा जो कॉन्जुगेशन में मदद करता है। नाउ दिस एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, क्योंकि एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर गोइंग टू हैव दिस एफ प्लाज्मिड एंड सम विल नॉट हैव। तो जिसके पास एफ प्लाज्मिड है दैट विल बी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और जिसके पास नहीं है दैट इज गोइंग टू बी एफ नेगेटिव बैक्टीरियम। ओके, यहां तक प्रोसेस क्लियर है? नाउ व्हाट बोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया आर गोइंग टू डू, ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग करने वाले हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में कैसे ये करेंगे या इसको हम सेक्सुअल कैसे मानते हैं पहले वो देख लो। अगर एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी मेल, कंसिडर्ड, इट इज नॉट मेल। आपने कभी सुना है क्या मेल और फीमेल बैक्टीरिया? सुना है? पता चला हम माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, हमने देखा, हमने बोला अरे ये पूरी कॉलोनी ना फीमेल बैक्टीरिया की है, ये पूरी कॉलोनी मेल बैक्टीरिया की है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? कभी आपने सुना है कि जेनेटिक मतलब जेंडर यहाँ पे वेरिएशन होता है बैक्टीरिया के अंदर? नॉट एट ऑल, ठीक है। तो दिस इज ओनली कंसिडर्ड एज मेल एंड फीमेल, रिमेम्बर दिस विल बी कंसिडर्ड फीमेल। अब ये दोनों क्या करने वाले हैं? ये दोनों अपने अपने मीजोजोम का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज होने वाला है? मीजोजोम्स का यूज होने वाला है। तो विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम्स दे आर गोइंग टू सेट अप अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन देम, और ये ऐसा होगा, ओके। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये एच स्टेज आ गई है, एच शेप्ड स्टेज, और ये एच शेप्ड स्टेज कब आती है? जब कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, ओके। अब क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से जो आपने यहाँ पे देखा था कि एफ प्लाज्मिड है, ये एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है और ये इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास कंडीशन किस तरह की दिखाई देगी? एंड में आपको दिखेगा कि दो बैक्टीरिया बने, दो डॉटर सेल्स मतलब कि दो बैक्टीरियम, और दोनों ही बैक्टीरियम के पास कौन प्रेजेंट होगा? एफ प्लाज्मिड। तो अब ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव हो गए, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेशन। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्योंकि डीएनए इन्वॉल्व है तो आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्सुअलिटी के लिए है दिस एफ प्लाज्मिड, फाइन। तो ये आप लोग याद कर लो, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको जेनेटिक्स में डिटेल में क्लियर किया जाएगा।
इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आपको यहाँ जाना है, माइकोप्लाज्मा के बारे में जानना है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, आपको पता है कि वॉललेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफी छोटे, सबसे छोटे सेल्स माने जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर्स। जोकर इसीलिए क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं, अपना फॉर्म बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इनके बारे में है। दे कैन ऑल्सो लिव विदाउट ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो यहाँ इनका एक स्ट्रक्चर गिवन है दैट यू कैन ऑब्जर्व। अब जब हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं, देन लेट अस कम टू द एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। इसके पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड निकुंज। मैंने अभी आपको एक चीज बताई ना कि अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, आपने ये सुना निकुंज? तो जब ये फॉर्म चेंज कर सकते हैं ना, दैट इज द नेचर दैट गिव्स देम द टर्म PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स वो भी माइकोप्लाज्मा की ही स्पीशीज में होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज दे कैन चेंज देयर फॉर्म्स रैपिडली, बार बार अपना लुक बदलते रहते हैं, अपना फॉर्म बदलते रहते हैं। इज इट क्लियर नाउ निकुंज? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू ऑल, आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो जाननी है अबाउट मोनेरा? एनीथिंग लाइक दैट दैट यू वांट टू नो, तो बताइए। चलिए लेट अस सी देन एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, बैक्टीरिया विच लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस को सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है। तो दैट विल बी थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, यस। सेकेंड विल बी द आंसर, वेरी गुड। फर्स्ट, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वेरी नाइस अरबाज, आंसर इज मीजोजोम, ठीक है। हेट्रोसिस्ट रिलेट्स टू फॉलोइंग फंक्शन, हेट्रोसिस्ट कौन से फंक्शन में मदद करता है? याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था अबाउट दिस फंक्शन कि कुछ स्पेशल कंडीशन में दे आर गोइंग टू फिक्स नाइट्रोजन, और वो स्पेशल कंडीशन कौन सी थी हेट्रोसिस्ट की? तो आंसर इसका क्या निकलेगा? यस, आंसर विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पोर्स और एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, स्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, और बोथ ऑफ इट या नन ऑफ इट, बताइए कब बनते हैं स्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स? आंसर विल बी अनफेवरेबल कंडीशन। यू ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस दे अंडरगो स्पोरुलेशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। मोनेरन्स इंक्लूड, मोनेरा में कौन कौन इंक्लूडेड है? ओनली बैक्टीरिया, ओनली बीजीए, एल्गी फंजाई एंड लाइकन, ऑल प्रोकैरियोट्स, कौन कौन इंक्लूडेड है? अरबाज आंसर इज टू, चेक करिए थोड़ा सा। यस आंसर इज फोर, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने सारी चीजें तो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बताई। भाई बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में इसीलिए बताई, आई अगेन रिपीट माय पॉइंट, बिकॉज बैक्टीरिया इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, ठीक है। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड एक्सप्लेनिंग बैक्टीरिया एंड टेकिंग इट्स एग्जांपल इन ईच एंड एवरी फिनोमेनन। देन गोज मोनेरन्स स्पेशली लिव इन मोस्ट हार्शी हैबिटेट्स, हार्शी हैबिटेट्स में कौन से मोनेरन्स रह सकते हैं? Whether it is eubacteria,
आर्की, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटिस. यस, आंसर विल बी आर्की बैक्टीरिया. वेरी गुड विनय, ही हैज आंसर्ड फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ मोनेरिन. इसमें से कौन मोनेरिन्स में नहीं पाया जाता? डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स या माइटोकॉन्ड्रिया? टेल मी. मोनेरिन्स आर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, यस, आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. यहां पे आपको पता है कि मोनेरिन्स सिंस monerins are prokaryotes. Therefore, membrane-bound cell organelles will be absent. ये यहां पर absent होंगे. Okay? तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्यों ऐसा. आपको ये सेल चैप्टर में फिर से सिखाया जाएगा. लेट अस हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच गैस और कंपाउंड? एग्जैक्टली, आंसर विल बी बायोगैस. The feature responsible for the survival of archaebacteria under extreme conditions, बताइए. Archaebacteria extreme conditions में रह सकता है. What is the feature responsible for this character? तो इसका answer होगा कि उसका जो cell membrane है उसमें branched chain lipids होते हैं. जबकि अगर आप eubacteria को देखेंगे तो वहां पे straight chain lipids रहते हैं. Fine. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. द टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो. काउ एंड बफेलो जो होते हैं उनके गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनके गट में कौन प्रेजेंट होते हैं? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच कैन थ्राइव well under extreme environmental conditions such as absence of oxygen, high salt concentration or high temperature. Kaun honge? Archaebacteria. Good. Theek hai? Let us move to next question. The group of organism that show most metabolic diversity. Bataiye. मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें कौन से ग्रुप में आपको मिलेगी? बैक्टीरिया. बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विद सब्सटेंस. तो दैट इज पेप्टाइडो ग्लाइकन. सेल वॉल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया बताइए. Is not referred as. इसमें से कौन सेल वॉल मटीरियल की तरह रिफर नहीं किया जाता है? आंसर विल बी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड, ये सब है, ये सब कंसिडर किया जाता है. देन लेट अस कम टू इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग कौन सी होती है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया. Yes, that is going to be mesosomes. Very good, Arbaz. So this will be the last question जिसके बारे में आज हमने बात की है. And we have revised kingdom Monera. अब जब भी हमारा next lecture होगा तो then we are going to deal off with next kingdom जो कि Monera के बाद होता है. And we are going to have a description of Protista. तो be ready with it. और आज जो Monera पढ़ा है आप इसको एनसीईआरटी से रिकॉल करिएगा और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा.